मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और घर में सुरक्षित होंगे और पढ़ने का प्रयास भी करते रहेंगे। बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश स्टडी विथारण, जिसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस की पूरी ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, शॉर्ट्स, पीडीएफ के माध्यम से और पूरे वीडियोस के माध्यम से भी बताए जा रहे हैं, पीपीटी के माध्यम से भी बताए जा रहे हैं। अब बच्चों, आपके पढ़ाई के ही उद्देश्य से मैं एक सेशन और स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें से मैं आपको सोशल स्टडी का नॉलेज दूंगी। सोशल स्टडी 7th क्लास की लेकर के चल रही हूँ, जिसमें से आपको कक्षा 7 के बच्चों के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन उसमें से जो शॉर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और यही छोटी चीजें हम अपने जीवन में भूल करते हैं। तो उन्हीं चीजों को आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए अब चलते हैं हम लेसन 1 लेके चलते हैं हम, किसका? सामाजिक विज्ञान है आपका, कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान, और पाठ का नाम है भारत और विश्व। भारत और विश्व, जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश हमारा देश है और विश्व पूरे विश्व की जानकारी, इतिहास का पाठ लेके चल रहे हैं, जिसमें से हम क्या क्या सीखेंगे उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे इतिहास का 3 कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, और यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताएं क्या थी, और अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। बच्चों, आपके पाठ अध्याय का, ये पूरे पुस्तक का पाठ पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, और दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप अपने दिमाग में अपने सामने पुस्तक को खोल करके बैठेंगे और जो यहाँ से बताया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है इसमें से। मैं सिर्फ मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, जो आपके समझ में नहीं आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, इन कालों का और इनका विभाजन कैसे किया गया, इनकी आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इन चीजों की जानकारी दी जाएगी। ये पाठ का सारांश दिया गया है, लेकिन आवश्यक अभी चीज को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे और मैं आपको बताना यहां से चाहूंगी। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि मध्यकाल को पुनः कितने भागों में विभाजित किया गया। मध्यकाल को 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था और उत्तर मध्यकाल का प्रारंभ 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए भी और पीएससी यूपीएससी के पर्पस से भी यह क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया था, अथवा पूर्व मध्यकाल कितने शताब्दी से कितने शताब्दी तक, उसका समय काल क्या था, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये चलेंगे, आगे चलते हैं हम आपको मध्यकाल के इतिहास के स्रोत को बताने के लिए। तो जानेंगे आप कि मध्यकाल के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। हमारे इसके 2 स्रोत हैं। कौन सा? एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा जो है, तो एक साहित्यिक क्षेत्र है जो साहित्यिक के में, और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक और पुरातात्विक, यहां से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए, मध्यकालीन इतिहास को जानने के 2 स्रोत कौन से हैं? साहित्यिक और पुरातात्विक। ये चीज आपका कंप्लीट हुआ। ये चीज आप, इस क्वेश्चन को आप अपने बुक्स में के माध्यम से टिक कर लीजिए पेंसिल से, और उसको एक क्वेश्चन बना करके लिख लेंगे। तथा अब आगे चलते हैं, पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधनों में ताड़ पत्रों और भोज पत्रों का विवरण मिलता है, यानी कि जो भी हमें विवरण लिखे गए थे, अभिलेख लिखे गए थे,
वह किसमें लिखे गए थे? उसमें ताड़पत्र, भोजपत्र तथा ताम्र पत्रों में भी लिखे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो रहा है कि कहाँ कहाँ से कैसे किन में हमारे पहले पूर्व मध्यकाल के साधनों में पत्र जो लिखे जाते थे तो किस पत्रों में लिखे जाते थे, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट। नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग किया गया था, तो क्वेश्चन बन रहा है कि किस शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हुआ था। तो देखेंगे, हाईलाइट कर लीजिएगा, 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू किया गया था। ठीक, इनका इसको दे एक प्रश्न बना लेंगे कि 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू किया गया था। इस काल में तुर्क आक्रमणकारियों के विशेष लेखक भी भारत आए थे। तो किस काल में तुर्क आक्रमणकारियों के साथ विदेशी लेखक भारत आए थे, एक क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ से। तो किस काल में? 13वीं शताब्दी में। किस काल में? हम यहाँ लिख सकते हैं 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं इनमें से इब्न बतूता, अब कौन कौन आए थे 13वीं शताब्दी में पुर्तगाल तुर्क से आक्रमणकारियों के साथ जो लेखक आए थे, उन लेखकों का नाम बताइए। तो इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्ल बरूनी, बर्नी, निकोलो कोटी, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर तथा टैवर्नियर प्रमुख थे। तो ये यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से और इस पाठ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो आपको पूरा इतिहास का सार जानने को मिल जाएगा। तो 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासक था। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बना कि मुगलों का शासन कब से कब तक था, मुगलों का शासन कब से कब तक था। तो 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक मुगलों का शासन काल था। ठीक, और इनका जीवन, इनके शासकों ने अपने जीवन, शासन, घटनाओं तथा अभिषेक के बाद आत्मकथाएं लिखी। अब चूंकि शासन काल रहा होगा तो ये अपनी आत्मकथाएं, जीवन शैली, अपने रहन सहन का विवरण तो लिखेंगे ही। ये था, कुछ अन्य लेखकों ने अपने शासकों के विषय में लिखा है कि इनमें से बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजके जहांगीरी, बादशाहनामा इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं। तत्कालीन शाही फरमान तथा शाही पत्राचार भी मध्यकाल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न देखिए कि प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों में से कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो 13वीं शताब्दी पे लिखे गए थे। तो बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और तुजके जहांगीरी, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी कंप्लीट होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब चलते हैं कि अब और इसी इतिहास में जानने के लिए, इसी प्रकार से स्थानीय शासकों के, दरबारी लेखकों के, अन्य साहित्यकारों ने कुछ ग्रंथ लिखे। जो ग्रंथ कौन कौन से थे? तत्कालीन स्थानीय सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी देते हैं। बच्चों देखो, ये किताब को मैं आपके सामने पढ़ करके बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस, इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस में से आपके वो क्वेश्चन निकल के सामने आ रहे हैं जो आपके लिए नितांत आवश्यक है। एक प्रश्न यहाँ से देखिए, इन ग्रंथों में कथा, सरित सागर, बृहत कथा, कोश, पृथ्वीराज रासो, राष्ट्ररंगिणी आदि प्रमुख हैं। तो इसी काल में कुछ और ग्रंथ लिखे गए थे जो किस पे आधारित थे? स्थानीय सामाजिक और राजनैतिक जीवन को दर्शा रहे थे। स्थानीय सामाजिक राजनैतिक जीवन दर्शनों को समझाने वाले ग्रंथ थे ये। जितना पढ़ करके हमने सुनाया, ये आप एक बार से और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ चिन्ह इसमें मिल रहे हैं, कुछ चिन्ह ये देखेंगे आप कि मध्यकालीन कुछ सिक्के हैं। ये मध्यकालीन जो सिक्के, मध्यकालीन भारत में जो सिक्के चला करते थे, इन सिक्कों को ध्यान में देखिएगा। ये सिक्के ऐसे चलाए जाते थे। कुछ म्यूजियम में सिक्के आज भी मिल जाते हैं, उनको देख लेंगे। तो देखिए, आपने क्या क्या पढ़ा अभी? आपने पढ़ा
इतिहास काल विभाजन आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाले आमूल परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। यानी कि इतिहास काल का जो विभाजन होता है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इतिहास काल का विभाजन आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाले आमूल परिवर्तन यानी विशेष परिवर्तन मुख्य परिवर्तनों के आधार पर इतिहास का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है और इनका विभाजन होता है। विभाजन यानी बंटवारा करना। भारत के मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है, ये आपको ऊपर बता दिया गया है। तथा मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए प्राचीन काल की तुलना में अधिक और प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध है। चलिए आपका ये चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे, एक तरह से पूरा का पूरा सार ही दिया गया है, पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति। तो पूर्व मध्यकाल के आरंभ में जो प्रारंभ शुरुआत किया गया था, तो भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी तो ये क्या थी, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसमें आपस में परस्पर संघर्ष चल रहे थे। 9वीं शताब्दी में चोल तथा पांड्य राज्य तथा तंजौर को जीत करके इसे अपनी राजधानी बना लिया गया था, अपनी राजधानी को बनाया गया था। चोल राजाओं ने व्यवस्थित शासन प्रशासन प्रबंध का अधिकार करके विभिन्न इकाइयों में से विभाजित कर दिया था। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ की तथा साहित्य तथा स्थापत्य कला को संरक्षण भी दिया गया था। उनकी सामुद्रिक शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी। चोल नरेश राजा प्रथम राज ने, देख क्वेश्चन यहाँ से बन रहा आपका, चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने ईस्वी सन 1925 में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त करी थी। तो यहाँ से देखेंगे कि इसको दो तरह से इसके क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि सन 1925 में किस राजा ने सुमात्रा तथा मलाया द्वीपों पर विजय प्राप्त करी थी, उनसे आंसर क्या होगा, चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने किस सन में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त करी, तो सन 1925 में। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है कि चोल नरेश राजेंद्र ने किन किन राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी, किन द्वीपों पर विजय प्राप्त करी थी, तो सुमात्रा और मलाया द्वीपों पर विजय प्राप्त करी थी। तो इस तरह के आपके इस पार्ट से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं यूरोप में मध्यकाल थोड़ा सा इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस पाठ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं। तो यूरोप में जो मध्यकाल था, तो 5वीं शताब्दी में यूरोप में शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक, अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ। ये छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे उन्हें वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा भी दे दिया करते थे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आपका आया, लैटिन भाषा के जमीन के एक टुकड़े को क्यूडम कहा जाता था। तो जमीन के टुकड़े को लैटिन भाषा में यूरोप के मध्यकाल में 5वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था, उसे फ्यूडम कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऐसी जमीन के प्राप्तकर्ता फ्यूडल्स यानी कि जो उसके अधिकारी हुआ करते थे, इस जमीन के जो ओनर हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, उन्हें हम फ्यूडल्स यानी सामंत कहा करते थे। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि फ्यूडम के मालिक को पर उसमें अधिकार करने वाले को क्या कहा जाता था, उसे फ्यूडल्स मीन्स सामंत कहा जाता था। तथा उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए जो उसकी व्यवस्था की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था, फ्यूडलिज्म, उसे फ्यूडलिज्म कहा जाता था। फ्यूडलिज्म यानी होता है कि व्यवस्थाओं को कंप्लीट करना, व्यवस्था की देख रेख करना, अथवा उसे सामंतवाद, क्या, अथवा सामंतवाद। इस तरह से सामंतवाद का प्रकटीकरण हुआ और वह अस्तित्व में आया और सामंत के नाम से छोटे छोटे जमीन के जो टुकड़े शासक हुआ करते थे सामंतों के रूप में उभर करके सामने आ गए। और जिन छोटे छोटे किलों में रहा करते थे ये सामंत, जिन छोटे छोटे किलों में रहा करते थे उसे गढ़ी कहा जाता था। तथा सामंतों के जो भूप्रदेश में किसान और श्रमिक रहा करते थे वह स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी, यानी कि
स्वामी का उन पर आधिपत्य होता था, वो स्वामी के ही कहने पर स्वामी के ही कारण चला करते थे, यानी कि जो मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति उनके शासन में काल में थी बहुत व्यवस्थित नहीं थी। सामंत जो होते थे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया करते थे। विलासितापूर्ण जीवन यानी होता है बहुत ऐसो आराम, लग्जरी लाइफ। विलासितापूर्ण यानी सामंत की जो लाइफ थी वो कैसी थी, वो विलासितापूर्ण थी। विलासितापूर्ण यानी लग्जरी लाइफ जिया करते थे, घर में अपने आराम से जीना और उनके उनको कोई कार्य व्यवहार कार्य करना नहीं, उनके लिए तो उनके वही किसान और श्रमिक ही कार्य किया करते थे, जो बहुत ही गरीब वंशानुगत हो गए थे। अब चूंकि गरीब जो व्यक्ति था वो इन सामंतों के यहाँ कार्य करता था, और सामंतों के यहाँ कार्य करते करते उनकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करना प्रारंभ करी, तो ऐसे जो किसान आते गए भविष्य में वो वंशानुगत दास बने रह गए, क्योंकि उनके घर और उनके घर परिवार का विकास होने ही नहीं दिया इन सामंतों ने, तो इन्हें वंशानुगत दास कहा गया। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इन्हें सर्प भूदास कहा जाता था। तो प्रश्न देखेंगे कि सामंत काल यूरोप के 5वीं शताब्दी में श्रमिक और मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था, इन्हें सर्फ या भूदास के नाम से जाना जाता था। और वो बेचारे बहुत ही विवश थे कि अपने इसके बारे में, अपने दरिद्रता के बारे में, अपने शोषण के बारे में, अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में कोई भी आवाज नहीं उठा सकते थे। तो ये चीज आपको बता दिया गया, ये जिस सार पढ़े हैं ये पूरा सार इसी में दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। अब अरबों का उदय, अरबों का जो उदय हुआ, पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बट गए थे। कबीले यानी छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे राज्य यानी डिस्ट्रिक्ट, जैसे आज हमारा है, तो उस तरह से छोटे छोटे कबीलों में इनका बंटवारा हो गया था। इनकी कोई सत्ता भी नहीं थी और कबीलों में आपस में निरंतर संघर्ष चलता था। एक कबीला दूसरे को जीत कर दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था और दूसरा दूसरे पर, इस तरह से इनका आपस में संघर्ष एक दूसरे पर चलता रहा। अब आया क्या, नवीन धर्म इस्लाम धर्म का मोहम्मद ने दिया। मोहम्मद कौन थे, ये पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया तथा अरब जातियों को संगठित किया। बहुत जल्दी ही राजनीतिक समूह बन गया था इनका, ये जो मुसलमानों का मोहम्मद, ये इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तो इनमें से क्या था कि इनमें एक सत्ता स्थापित करने की भूख थी, इनको अपना आधिपत्य स्थापित करने का भूख थी, ललक थी इनको आगे बढ़ने का। तो ये अरब में, ये सबसे पहले कहाँ है, अरब में, और अरब में जाकर के वहां की जो जातियां थी उनको संगठित किए, और उनको संगठित करके इन्होंने अपना प्रचार पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र तक में कर डाला। आगे जाकर के यही स्पेन तक पहुंच गए और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक भी तक इनका साम्राज्य स्थापित हो गया। अरब के व्यापारी बहुत ही कुशल थे, ये आप देखते जाइएगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी का। तो अरब के जो व्यापारी थे बहुत ही कुशल थे, उनमें सत्ता को किस तरह से हासिल की जाती है, भागों को किस तरह से जीता जाता है, इसका उनके ऊपर बहुत ही कौशल का विकास हुआ था। भारत, चीन और यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका से व्यापार करने लगे थे और धीरे धीरे बहुत धनवान बन गए थे। इनके अंदर कला, साहित्य, विज्ञान आदि का को भी सीखने का ज्ञान बढ़ रहा था और ये व्यापार के माध्यम से कई देशों में अपना संपर्क भी बढ़ा रहे थे और अरब देशों से एक दूसरे तक जो कुछ भी ज्ञान रहता था अरब ने ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया था। प्राचीन ग्रीक और प्राचीन जो भारतीय वैज्ञानिक थे तो उन्होंने इन ग्रंथों का अनुवाद जो है अरबी भाषा में किया था और खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय जो ज्ञान था वो अरबों के माध्यम से ही
भारतीयों का जो ज्ञान था अरबों के माध्यम से ही पश्चिम देशों तक पहुंचाया गया था। यहीं से हमारे देश का पतन की नींव डाली गई थी कि जो हमारा भारतीय ज्ञान था अरब देशों तक पहुंचा दिया गया और हमारे देश पर कितने कितने तुर्कियों का, पुर्तगालियों का, ब्रिटिश का, मुगलों का, इन सब का जो आक्रमण होता रहा है, यही कारण था। अरबों ने ही हमारे देश का ज्ञान दूसरे देश में बांटा, यहाँ की स्थित परिस्थिति और संस्कृति के बारे में बताया। इसी तरह से हमारे देश पर यहीं से पतन का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हुआ था। और इनमें से कुछ नवीन आविष्कार भी हुए थे, जैसे बारूद, कागज, कुतुबनुमा, कंपास इसे कहा जाता है, इसका भी आविष्कार किया गया था कागज का, और अरबों ने ही इसे यूरोप देशों तक पहुंचाया था। व्यापार भी इनका सुदृढ़ था, निरंतर चलता रहा, संपन्नता और संस्कृति भी बनी रही और पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा ही बना रहा है। सातवीं शताब्दी में, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, सातवीं शताब्दी में अरब में भारत पर आक्रमण शुरू हुए। प्रारंभ काल में केवल जो लूट खसोट हुआ करता था वो सिर्फ धन के लिए होता था। प्रारंभ के जो भारत पर आक्रमण हुए, जैसे मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किए, हमारे सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा, तो ये सब धन के लोभ से ही यहाँ आए थे और आक्रमण करते रह गए और हमेशा कई बार तक आक्रमण इनका चलता रहा। तुर्कों को भी इस काम में सफलता प्राप्त हुई और साथ ही इतिहास का मध्यकाल भी प्रारंभ हो गया। तो ये मध्यकाल में सातवीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय, संघर्ष हुआ, अरब व्यापारियों के माध्यम से पूर्व देशों में पश्चिम तक ज्ञान पहुंचाया गया, भारतीय धन संपदा का आकर्षण, और कई बार जो भारत पर आक्रमण हुए अरबों के द्वारा धन के कारण हुए, तुर्कों ने भारत में राज्य भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से आपका यह पाठ अध्याय, पाठ का आपका एक भारत और विश्व को मैंने सरल और बहुत ही सहज शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। इसके जो क्वेश्चन हैं बीच बीच से बनने वाले वो भी हमने समझाया, और आप अपने नोटबुक में यदि लिख लेंगे, पाठ को बार बार पढ़िए और पढ़ करके ऐसे क्वेश्चन को छांट छांट के नोटबुक में लिखिए और उनका चिंतन मनन करते रहिए। आगे जाकर के जब भी आप, कक्षा 7th के बच्चों के लिए बता रही हूँ, जब भी कभी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ये आपके काम आएगा, तथा प्रेजेंट में जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा और समझने में भी आपको सरलता और सहजता महसूस होगी। तो कक्षा 7th के बच्चे ध्यान देंगे, आपके आंसर क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन करके बता दी हूँ और देख लेंगे आप पाठ को जा करके। और इस तरह से आप हमारे वीडियो से बने रहिए, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का लाभ लीजिए, और इकोनॉमिक्स के भी मैं क्वेश्चन लाती हूँ उनको भी देखते रहिएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।